ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया था कि उनके पिता राकेश रोशन को गले का कैंसर हो गया है, जिसकी पहली सफल सर्जरी हो चुकी है। राकेश रोशन के कैंसर से पीड़ित होने की खबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने संवेदनाएं प्रकट की थी। ऋतिक ने पीएम के ट्वीट पर कमेंट करते हुए पिता की सर्जरी सही होने की जानकारी दी है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अनुपम खेर समेत 14 कलाकारों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। याचिका में फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को खराब करने और देश की छवि से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर फैंस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो उनकी फोर्थ कमिंग फिल्म में महेश बाबू के अपोजिट बॉलीवुड एक्ट्रेस को कास्ट किया जा सकता है, जिसके लिए मेकर्स जल्द ही कैटरीना कैफ को अप्रोच भी करने वाले हैं। इस वक्त कैटरीना सलमान के साथ फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल को कॉफी विद करण सीजन 6 में पहले हफ्ते में मेहमान बनाया गया। कुछ लोगों को उनकी बातें बड़ी मजेदार लगी, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हार्दिक पांड्या के बर्ताव को पसंद नहीं किया, जिसके चलते उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है, जिसके बाद हार्दिक ने भी सोशल मीडिया पर ओपन लेटर लिखकर लोगों से माफी मांगी है। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर दोनों ही अपने अपने कॉमेडी शो को लेकर टीवी पर वापसी कर चुके हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलासा किया है कि वो जल्द ही कपिल और सुनील को फिर से साथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कपिल को अपना बेटा मानते हैं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ ने अच्छा बिजनेस किया था। इन दिनों अपनी फिल्म सोन चिड़ैया को लेकर खबरों में बने हुए हैं। सुशांत ने खुलासा किया है कि उनके पास इस वक्त एक दो नहीं बल्कि 12 फिल्मों के ऑफर आए हैं, जिन पर वो फ्री होने के बाद काम शुरू करेंगे। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो गांव की खटिया पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में वो बैलगाड़ी की सवारी का आनंद ले रहे हैं। अमिताभ की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन इन दिनों अपनी फिल्म झुंड की शूटिंग में बिजी हैं और ये तस्वीरें उसी शूटिंग का हिस्सा हैं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप की खबरें काफी दिनों से सुर्खियां बटोर रही हैं। अब खबर है कि रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने आलिया और रणबीर को गोल्डन रिंग गिफ्ट की है। गोल्डन प्लेट वाली इस रिंग पर AR लिखा हुआ है। बता दें कि इससे पहले रिद्धिमा कपूर आलिया को ब्रेसलेट गिफ्ट कर चुकी हैं। संजय लीला भंसाली अपनी अपकमिंग फिल्म की तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण के बीच जंग छिड़ गई है। खबरों की माने तो दोनों ही एक्ट्रेस भंसाली के साथ काम करना चाहती हैं, जहां दीपिका उनकी फेवरेट हैं तो आलिया को भंसाली काफी पसंद करते हैं। सुष्मिता सेन इन दिनों फिल्मों से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार खबरों में बनी रहती हैं। हाल ही में उनका कथक करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथक सीखती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि कथक करते समय वो पॉजिटिव एनर्जी फील करती हैं।